भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के निर्देश पर भाजपा लुकवासा मंडल की कामकाजी बैठक सोमवार को जैन मैरिज गार्डन में संपन्न हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के बवीना विधानसभा से मुख्य अतिथि के रूप में राजीव सिंह परीक्षा आए। वहीं लुकवासा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र रघुवंशी, मंडल महामंत्री राकेश रघुवंशी, वरिष्ठ कार्यकर्ता सरनाम सिंह रघुवंशी, वहीं राम भरोसी शर्मा, बाबूलाल जैन, प्रवेश रघुवंशी सहित अन्य नेता मंचासीन थे। सर्वप्रथम भारत माता एवं संगठन महापुरुषों के चित्रों पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। प्रवासी विधायक ने संगठनात्मक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। वहीं प्रवासी विधायक का दिनांक 21 अगस्त से 26 अगस्त तक विधानसभा कोलारस के सभी मंडलों पर एक एक दिन का प्रवास रहेगा। वर्तमान में इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसी के साथ कार्यकर्ताओं को आह्वान कर केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने की बात कही गयी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में हर एक विधानसभा पर एक प्रवासी विधायक को लगाया है। यह प्रवासी विधायक उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात से आए हैं। मुझे भी एक विधानसभा शिवपुरी जिले की कोलारस में लगाया है। मैं बबीना विधानसभा झांसी जनपद उत्तर प्रदेश से हूँ और दूसरी बार से विधायक हूँ। आज जब मैं क्षेत्र में भ्रमण करने आया, मैं वैसे कल से हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन जिस तरीके से कल से और आज तक जो मैंने देखा, यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और एक संकल्प भी है कि दोबारा हमारी सरकार बननी चाहिए। जिस तरीके का वातावरण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में है, कार्यकर्ता कमिटेड है कि इस बार हमको अच्छे अंतर के साथ में अपना विधायक बनाना है और एक स्थिर सरकार के लिए प्रचंड बहुमत की मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल में जो मध्य प्रदेश में प्रयोग किए और एक विकास का मॉडल मध्य प्रदेश को बनाया, आज मध्य प्रदेश की चर्चा पूरे देश में होती है। कोई भी राज्य जब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से ही शिक्षा लेनी पड़ती है, मध्य प्रदेश से ही सीख लेनी पड़ती है और मध्य प्रदेश की योजनाओं को नाम बदल के वो अपने यहाँ लागू करते हैं। ये मॉडल राज्य है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई परिवार होगा मध्य प्रदेश का जिसको सीधी सीधी मध्य प्रदेश सरकार किसी न किसी योजना से उसको लाभान्वित ना कर रही हो। प्रत्येक जन्म से लेकर मृत्यु तक का इंतजाम आदरणीय शिवराज जी ने किया है और उसका पूरा एक वातावरण शिवराज जी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में यहाँ दिखाई देता है। जब मैं जमीन पर आया तो प्रत्येक गाँव में हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी तरीके से संकल्पित है और इंतजार कर रहा है चुनाव का। टिकट घोषित होंगे, हो सकते हैं कई लोगों की व्यक्तिगत चॉइस होती है, असंतुष्ट कार्यकर्ता, लेकिन ये जो अच्छाई है कि उसका कहीं ना कहीं नज़र उसकी मछली की आंख पर है, उसकी नज़र भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर है। प्रत्याशियों की हो सकती है व्यक्तिगत राय होती है, चूँकि कार्यकर्ता है, एक दूसरे से नज़दीकी होती है, कोई अप्रिय कोई कम प्रिय होता है, लेकिन जो एक अच्छी बात है, सबका कमिटमेंट भाजपा के पक्ष में, कमल के फूल के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में, और यही जो ताकत है भाजपा की वो उसको सबसे मजबूत पार्टी बनाती है। यही जो भाव है वो देश की हर एक राजनीतिक दल से बनाता है। असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहेंगे? असंतुष्टि तो मैं समझता हूँ बहुत नाके बराबर है। सब लोग ये मानते हैं कि हमको भाजपा की सरकार बनानी है। अगर उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पे जो शिवराज जी ने एक नया मॉडल शुरू किया है योगी जी की तरह, उसमें चार चांद लग गए हैं। एक विकास का मॉडल तो था ही, लेकिन बिल्डोजर मॉडल जो हमारे शिवराज जी ने दिखाया है, नया चेहरा है शिवराज जी का। भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ कर कार्यकर्ता जा रहे हैं, अभी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी जाने की संभावना है 24 तारीख में बताया जा रहा है। ये तो जब चुनाव आता है, जो चुनावी जो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं वो घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं। चुनावी मौसम जब होता है तो बहुत से लोग इधर भी आते हैं, उधर भी जाते हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। जनता चुनाव जिताती है, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, ये तो लोग आने जाने वाले लोग हैं। बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आएंगे। अभी 1.5 साल पहले पूरी की पूरी कांग्रेस भाजपा में आ गई, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ जो ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार परिणाम बहुत देखने लायक होंगे, मुझे विश्वास है। जिस तरीके का वातावरण है, मेरी विधानसभा पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से टच करती है,
जो एक माहौल पूरी तरीके से भाजपा में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार 2014 के मुकाबले बहुत ही संतोषजनक परिणाम भाजपा के पक्ष में आने वाले हैं।